ईडी कम से कम बीजेपी के दफ्तर में भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी कहां से लाया पैसा जो इतना बड़ा मैंने ऑफिस बनाया। आज इस प्रकार से हम लोग डीसी ऑफिस जमशेदपुर ऑफिस में, आज जमशेदपुर डीसी ऑफिस में उपायुक्त में धरना प्रदर्शन चल रहा, बहुत ही विराट धरना प्रदर्शन, जिसमें हमारे पूर्व विधायक सह मंत्री दुलाल भुइयां से हम लोग आज बात करेंगे, संवाद करेंगे। सर आप लोग सरकार में होते हुए आज इतना बड़ा धरना कार्यक्रम जो आप लोग कर रहे हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी परेशान कर रहा है झारखंडियों को और अमित शाह और आरएसएस। हम लोग अपने सरकार में, अपने कार्यालय में हम लोग धरना नहीं दे रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं डीसी के द्वारा। गवर्नर को संदेश जाए, प्रधानमंत्री को संदेश जाए, ये राष्ट्रपति महामहिम को संदेश जाए, आरएसएस के कार्यालय में संदेश जाए, ये भाजपा के नेताओं के कार्यालय में जाए कि बेटा तुम जो अगर पात पात है ना, तो झारखंडी लोग डाल डाल में है, आर पार के लड़ाई लड़ने वाला ये लो जीव जंतु है झारखंडी लोग, टकराने वाला है झारखंडी लोग। ये जो ईडी का बहाना दे करके पीछे दरवाजे से असंवैधानिक रूप से जो आप ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी का मतलब होता है कि जो विदेशी मुद्रा है उसको पकड़ना है, ये है नेता को परेशान करना, जनमत का नेता को, बहुमत का नेता को, हेमंत सोरेन आदिवासी नेता को। ये प्रधानमंत्री को लज्जा नहीं लग रहा, इतना बढ़िया काम कर रहा। ये यहाँ झारखंड में खनिज है, लोहा है, अबरक है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है, पूरे संपदा से भरा है झारखंड। आज स्वस्थ हो जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, आरएसएस के मोहन भागवत जी और माननीय गवर्नर साहब क्या तब आप बयान देते हैं असंवैधानिक रूप से एटम बम, ये शोभा लगता है एक गवर्नर को इस तरह का बोलना? एक देश से दूसरे देश में एटम बम गिराया जाता है सर, इसमें एटम बम का बात हो रहा है, इसमें क्या जवाब? एक संवैधानिक रूप से माननीय माने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, थोड़ा से अगर खोच लग जाए तो उसकी बॉडीगार्ड सीधा भूंज देगा, ये प्रोटोकॉल में है। और एक असंवैधानिक रूप से गवर्नर माननीय मुख्यमंत्री को परेशान कर रहा है, गवर्नर नहीं है ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, ये बीजेपी का 6 बार का संसद है वो, ये इसकी स्टोरी हम लोग जानते हैं, ये किस तरह से चापलूसी करके आरएसएस का ये फंडा लोग बनता है, ये लोग आरएसएस का फंडा लोग बनता है, और इस तरह से देश को अर्थव्यवस्था को नौचौपट करता है। आज इस प्रकार से ईडी के द्वारा छापा मारा हुआ, उसमें अनूप सिंह नेता का नाम बताया जा रहा, जिसमें पर डे का 1 करोड़ का इस प्रकार का ये आरोप लगा, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए ये आज का जो मामला है, ये मामला हम लोग हेमंत जी के लिए आए हैं, ये मामला कहाँ से खेला कर रहा और बीजेपी के लोग दूध का धोया हुआ है ये जनता देख रही है। ईडी कम से कम बीजेपी के दफ्तर में भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी कहां से लाया पैसा जो इतना बड़ा मैंने ऑफिस बनाया, पूरे देश में घूम घूम के सारा ऑफिस बनाया, कहां से लाया पैसा? उसमें ईडी जांच क्यों नहीं हो रहा? नोटबंदी में जो पैसा गोलमाल हुआ उसमें क्यों नहीं ईडी का जांच हुआ? और जिस प्रकार से अभी सरकार, अभी आप लोग आगे का रणनीति क्या करने वाले? आगे का रणनीति यही है कि जिस तरह से असंवैधानिक रूप से खेला कर रहा है वो बंद करे, ये बंद करे, नहीं तो झारखंड जल उठेगा। सर हमारे न्यूज में आप परिचय तो मोहताज नहीं है, लेकिन परिचय दे दीजिए। मैं पूर्व मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता दुलाल भुइयां और झारखंड में लड़ने भिड़ने और आंदोलनकारी के रूप में हम लोग का परिचय है।